hey, आज तुम्हारी वजह से मीटिंग जल्दी रैप हो गई। जल्दी? अच्छा तुम काफी पढ़ी लिखी लगती हो। हाँ। तो फिर ये सेक्रेटरी की जॉब क्यों? जरूरत है और एक्सपीरियंस नहीं। कोई नहीं, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होगा और इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा बाय द वे आई एम संदीप, मार्केटिंग हेड। शोभा। आई नो। आई एम श्योर यू डू। सब जानते हैं मुझे, न्यूज़ पे आती हूँ, देश मेरे बारे में जानना चाहता है। ओह, तो आप इतनी फेमस हैं, फिर तो एक सेल्फी तो बनता है। हाँ? Come on. Actually, I really don't care तुम्हारे पास में क्या हो। All I know कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट। Thanks. By the way, ये विक्रम सर हमेशा इतने ही खड़ूस होते हैं क्या? नहीं तो। Sometimes he has bad days also. यानी इससे भी बैड। Oh God. Actually, विक्रम बहुत सॉलिड बंदा है, वो अपनी नानी का ख्याल रखता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है, औरतों को कुछ खास पसंद नहीं करता। तो अगर तुम लड़का होती तो you would love it. Oh God, thank God मैं लड़का नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता मुझ में वो कैपेसिटी या हिम्मत है विक्रम सर से प्यार करने की। बार बार फोन क्यों कर रहा है? बात ही कुछ ऐसी है, खुद संजय और गरिमा दोनों ने छुप छुप के मिलने का स्यापा शुरू कर दिया है। वो तो खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया था, लाजपत नगर की गलियों में डेट शेट मारा जा रहा है। बता रो भाई, मैं ठंड रख। ठंड? क्या ठंड रखूं? मेरा भाई है तू। पिछली बार तो बात हाथ से निकल गई थी, इस बार नहीं निकलेगी। इससे पहले वो चूजा संजय गरिमा को फिर से फंसाए, मुझे समर्थ से बात करनी होगी, उसमें थोड़ी चाबी भरनी होगी बस, फिर तो देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शोभा का चेहरा देखने लायक होगा जब मैं तेरा रिश्ता लेकर उनके घर पर जाऊंगा। बुढ़िया तो है ही मेरे कब्जे में, ये शोभा बड़ी समझती है ना अपने आप को, इसको मैं झुका कर रहूंगा अपने सामने। पानी पिला देना प्लीज। कैसे बहुत अच्छा था मेरी माँ। इसका टीवी टाइम को तो मम्मा, ये बहुत टीवी देखी और आज तो बहुत देखी। जियो प्रॉमिस किया था। नहीं यार, हमारे को बातें की जो हमारे। मेरा बैग लेके जाना रूम में, मैं अभी आती हूँ। ओके, वेट करना वहाँ पे, जल्दी से, जल्दी जाना। मॉम, ऑल ओके? तुम्हें फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं, ऑफिस के अलावा किसी और चीज की फिक्र नहीं। मॉम, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए तुमसे कहा था जॉब मत करो, जॉब मत करो। लेकिन मॉम, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। एनीवे, इज एवरीथिंग ओके? हमारे ऑफिस जितना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। होम मिनिस्ट्री से नोटिस, समर्थ को देश से गद्दारी करने के लिए ट्राई किया जाएगा और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा अगले 7 दिनों। और ये तो 3 दिन पहले का लेटर है, मतलब 4 दिन में हमको ये घर खाली करना है। कहाँ रहेंगे शोभा, क्या करेंगे? समर्थ यहाँ होता तो, पर वो नहीं है ना माँ। और तुम्हारी वजह से उसकी बेल नहीं हो रही। उस दिन अगर तुमने मीडिया के सामने बिना सोचे समझे मुंह नहीं खोला होता तो। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो बेटा, कुछ चीजें बदलने वाली है और जब चीजें बदलती है ना तो नई चीजें आती हैं, और नई चीजें आती हैं तो मजा आता है ना। नई जगह, नए फ्रेंड्स, नए बुक्स, नए टॉयज, यू नो व्हाट आई मीन। पर मम्मा, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं? हम पापा के पास जेल जा रहे हैं क्या मम्मा? रेहान, पापा जेल नहीं गए बेटा, वो तो बाहर कुछ काम से गए हैं, आ जाएंगे, डोंट वरी। पर मम्मा, इंटरनेट पे कुछ भी लिखा रहता है। आप इंटरनेट को बिलीव करोगे या मम्मा को? Thank you, baby. Thank you. Thank you. कमाल करती हो यार, मैं तुम्हें रोज रात को नहीं कहता। You are the best wife in the world. Best wife in the world. कुछ खत्म हो गया करो, मैं हार गई, मैं हार गई करो। नो भाब्स, ऐसा नहीं कहते। आपको इतनी आसानी से जॉब मिली, ये प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी भाब्स, ट्रस्ट मी। और हम सब साथ में हैं ना, विल डील विद इट। प्लीज शांत हो जाइए भाभी, डोंट लूज होप। और देखिए ना, मैं सोच रही थी कि आपके ऑफिस का कोई ना कोई गेस्ट हाउस होगा, अगर आप ऑफिस में किसी से बात करके देखें तो शायद वो हेल्प कर दे। ऑफिस में? या अगर आप वो इतना एडवांस दे सकते हैं, आई एम श्योर दे डोंट वांट यू टू क्विट। कुछ तो वैल्यू देखते होंगे ना आप में, आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। दैट्स लास्ट ऑप्शन करो। तुम्हें नहीं पता मुझे किसके साथ काम करना पड़ रहा है। क्या हुआ? मेरी शक्ल देख के रोना आ गया? या फिर मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? तो क्या है ना कि तुम्हारे घर की बेल बजाकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाह रहा। वैसे आंखें सूजी क्यों हैं? ड्रिंक लिया या कोई नया मेलोड्रामा? टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कोई रिडिकुलस रोमांटिक फिल्म देखी जिसमें हीरो हीरोइन 80 साल के होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में मर जाते? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है, आपका ऑफिस नहीं। तो आप जब चाहे आए और जो चाहे बकवास करें। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी बुक वापस करने आया था। I just realized कि हमारी बुक्स आपस में एक्सचेंज हो गई थी। And I also thought कि क्यों ना इसी बहाने तुम्हारे एहसान का बदला भी चुका दिया जाए। वैसे भी पॉलिटिक्स से मैं कोसों दूर रहता हूँ। ये तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड की मुबारक, ओके? मिल गई। This is it. You finally found the book. Yes, I think so. You're seriously obsessed with Bhaiya, but Bhai is obsessed with politics. यार उसका job है पॉलिटिक्स, जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। Just by the way, समर्थ के सिर्फ मैं obsession। I know, 9 years of marriage, romance, fairy tale romance. मजाक नहीं है, 9 साल शादी के, अब तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन चुके हैं हम लोग। What? तुम और तुम्हारी तन्हाई अक्सर आपस में बातें करते हैं, blah blah। वैसे एक मिनट रुकिए। जब आपकी चीज लौटाने कोई आपके घर आए, तो उसे थैंक्स बोला जाता है। But it's okay, never mind। जब तक तुम्हारे दिमाग का मोनोलॉग बंद नहीं होगा, शायद तुम्हारी ज़बान नहीं चलेगी। God, हाँ। I'm out of here. अरे संभाल के रखो वहाँ सोफा। कार्टन पे ठीक से नाम लिखना, कौन सी बुक्स कहाँ हैं? जी सर, जल्दी आपको वापस सामान पहले यहाँ रखना, उसके बाद वो लोड होगा। फटाफट। जी सर। तू ना मेरा दूसरा बेटा है, वरना आजकल कौन इतना करता है किसी के लिए? जैसी बात कर रही हैं माजी। हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? We are family। अरे क्या कर रहे हो? बोला ना बबल पैक करो इसको और साफ करो पहले इसको अच्छी तरह से। शोभा जी कैसी हैं आप? आपकी पैकिंग हो गई? गोपाल इधर आओ। मॉम, हाँ? ये तरुण यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये पैकेजिंग मटेरियल, ये मूवर्स और पैकर्स, ये हो क्या रहा है? शोभा, देखो मुझे तुम्हारी फैमिली से हमेशा कोई ना कोई शिकायत रही है। ये तरुण, he's amazing। उसने जितना किया है कोई अपना सगा भी नहीं करता। आई एम सो ग्लैड तेरी बहन ने इतने अच्छे लड़के से शादी की है। हाँ। तरुण तो रोज मुझे फोन करता है हालचाल जानने के लिए। आज जब उसने फोन किया तो मैंने उसे पूरी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताया। सुनते ही वो तुम्हारी बहन दोनों यहाँ आ गए हमें साथ ले जाने के लिए। मॉम, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तरुण के साथ नहीं जाना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या समझू उसमें? समझना क्या है? कल तक तो तुम्हें तरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज जब वो मेरे बेटे की साइड ले रहा है तो अचानक से तुम समर्थ का गुस्सा तरुण पर उतार रही है। मॉम, और समर्थ क्या चाहता है कि हम तरुण के साथ जाकर रहे। तुम अपनी देख लो, मैं जा रही हूँ तरुण के साथ रहने। बात खत्म। पीरियड। व्हाई यू बीइंग सो डिफिकल्ट? क्या है, तुम ब्लॉक नहीं कर सकती हो क्या? सॉरी आपको लगे तो नहीं। रुको, लॉयर का कॉल आया था और हमें समर्थ भैया के साथ 6 o'clock मीटिंग में जाना है। सो वी हैव टू बी देयर। ग्रेट, फिर तो हम समर्थ से ही पूछ लेते कि वो क्या चाहता है। हम तरुण क्या रहे या कहीं और? राइट, फाइन। आप तो शांत हो जाओ, रिलैक्स प्लीज। चिल भाब्स, जो होगा अब 6 o'clock ही होगा ना। अभी स्ट्रेस लेने से क्या फायदा? इट्स ओके, रिलैक्स, काम डाउन, चिल, सब ठीक होगा। और ये बहन पागल हो गई है। शी कंप्लीटली लॉस्ट इट। करे समर्थ भरू में अपने उसके हस्बैंड का चढ़ार भड़ास मेरे ऊपर निकाल रही है। मेरे एहसान देखने के बजाय मेरे बारे में मदर-इन-लॉ से बिचिंग कर रही है। लड़ी थैंकलेस वुमन। तरुण काम डाउन। आई एम श्योर दीदी ने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया होगा। वो सब कुछ खुद करना चाहती है। एंड आई एम श्योर वो अपने और अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई जगह जरूर अरेंज कर लेंगी। क्या अरेंज कर लेंगी? 2 दिन की नौकरी में बहुत पर निकाला है उसके। आज तक उसने सिर्फ हेयर, मेकअप और हर पार्टी में समर्थ के साथ आम कैंडी बन के खड़ा होना सीखा है बस। और अब बड़ी झांसी की रानी बन रही है। तरुण प्लीज, तुम दीदी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? Are you my wife or not? मैं उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और कितना रेजिस्टेंस दिखा रही है। तुम लोग अब बड़ी हो गई हो, एक दूसरे की साइड लेना ब्लाइंडली बंद करो। एंड फॉर द रिकॉर्ड, कैन यू टेल मी ऐसा समर्थ ने गलत किया ही क्या है जो इतना ड्रामा, इतना नाटक कर रही है वो? और ये जो अफेयर चल रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? I mean, समर्थ ने उसे घर से बाहर तो नहीं निकाला ना। That is what she could be scared of. And... करो, अगर समर्थ ने भी बोल दिया कि तरुण के यहाँ रहने जाना है तो क्या करेंगे यार? I can't bear that तरुण। मेरा बस चले तो I could stab him। बाब्स, आपका फोन रिंग करे। मैनेजर का फोन है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी है। अब ये भी सुनाएगा करूँ। चल रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। हाँ, उठाओ। हेलो सर। शोभा, वो यामागुची वाली फाइल तुम्हारे पास है क्या? जी मेरे पास है। गुड। अच्छा, मैं तुम्हारे घर के सामने वाले अपने ब्रांच में हूँ। कोई इशू है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो फाइल मुझे चाहिए थी अर्जेंट, आके दे सकती हो? जी सर बिल्कुल, अभी लेके आती हूँ। ओके थैंक्स। मुझे एक फाइल सामने वाले कैफे में देने जाना है। इन द मीन वाइल यू बेटर प्रे कि हमें तरुण के पास नहीं जाना पड़े, नहीं तो वो अजय तो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। आउट। हाथ किसको लगा रहा है? हाथ नीचे रख के बात कर। यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों की वजह से the whole country gets a bad name। उसने इतने छोटे कपड़े पहने हैं और हम विसल भी ना करें। बुराई उसी कपड़ों में नहीं है, तुम लोगों की नजरों में है, समझा? तो वे भी मुझे दूसरा जाएगा। राहुल। शोभा दी, आप? तुम इन लड़कों के साथ यहाँ? मैंने कुछ नहीं किया दी, मैं तो बस कॉफी पीने आया था। महेश, ये तो राहुल है, हमारे फैमिली फ्रेंड का बेटा है। तुम जानती हो इसको? जी। लड़कियाँ छेड़ते अपने फ्री टाइम पे। बहुत कंप्लेंट आ चुकी है इनकी और उनके दोस्तों की, इसलिए मुझे आर्या खुद आना पड़ा। राहुल, ये सब हमारी मॉम को पता चलेगा तो? मैं पुलिस को फोन करूंगा। अरे मुझसे बात करना। शोभा दी प्लीज, मॉम को कुछ मत बोलना। राहुल, तुम इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम है। हमारे मॉम को पता चलेगा उन्हें कितना बुरा लगेगा। मुझे तुम्हारी मॉम को बताना ही पड़ेगा तुम किस तरह की कंपनी में रहते हो। ओह माय गॉड। तब बताओगे जब मैं फोन करने दूंगा। और चुप। हेलो, तुम तो वही हो ना जिसका पति वो लौंडिया के केस में गिरफ्तार हुआ था। आप दूसरों को क्या समझा रही हो? हमने तो खुद आपके हस्बैंड से सीखा है सब कुछ। वैसे भी आपके हस्बैंड की वीडियो है मेरे पास, दिखाऊं क्या? Dare you? बदतमीजी की भी हद होती है। इतने बदतमीज लड़के। इधर आ, इन्हें बता। हमने तो छेड़ा, परेशान किया, कुछ किया ना? नहीं ना, हम तो एक छोटा सा गेम खेल रहे थे, कॉफी टी एंड मी। बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत हो गया, समझे? एक मिनट, मैं मॉम को फोन नहीं करूँगी। ये हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। सुना क्या बोलिए? आराम से। सुना? एक सेकंड। वही कुछ नहीं करेगा। हेलो कमिश्नर साहब, हाँ शोभा बोल रही हूँ। लोधी रोड के कॉफी शॉप पे प्लीज किसी को भेज दो, लड़के बहुत छेड़ रहे हैं लड़कियों को। आई मीन थैंक यू या थैंक यू। बहुत बिजी हो गई है, हस्बैंड से भी मिलने की फुर्सत नहीं है, इसलिए 15 मिनट लेट आई हो। हाँ ठीक हो? खाना बहुत खराब है यहाँ का, बहुत ही खराब खाना खिलाते हैं। बिस्तर के नाम पे एक चटाई है, खटमल है खूब सारे कंपनी के लिए। सबसे ज्यादा जानती हूं मैं क्या मिस करता हूं, बच्चों को। I really miss the kids, शोभा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो लोग मुझे यहाँ इस हाल में देखें। So I'm trying to be strong. वो भी दिन रात पापा पापा करते रहते हैं। मॉम ने बताया घर के नोटिस के बारे में, but I'm sorry शोभा, कुछ दिनों के लिए तुम हैंडल कर लो, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसको क्या हैंडल करना है, अपना तरुण है ना सबको संभालने के लिए, संभाल लेगा। हाँ है, तरुण तो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। अगर वो हमारे साथ नहीं होता तो पता नहीं हम सब क्या करते। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है शोभा? रिद्धिमा और तरुण के घर के अलावा उससे ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल जगह कोई हो नहीं सकती इस वक्त। हमने और ऑप्शंस ट्राई भी तो नहीं किए ना अभी तक। अरे फालतू में दूसरे ऑप्शंस की जरूरत क्या है जब इतना अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने। शोभा हमें कम प्रॉब्लम है पहले जो तुम और उन्हें बढ़ाने पर तुली हुई हो। मॉम मैं बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है ये मुझे मालूम नहीं शो, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यू आर अनकंफर्टेबल विद दिस अरेंजमेंट। सो ठीक है तुम 2 दिन ले लो, जो कोशिश करनी है तुम्हें कर लो, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो तीसरे दिन तरुण के घर सबको शिफ्ट होना होगा। ये बच्चों का और गरिमा का भी सवाल है, प्लीज जिद ना करें। ठीक है तू कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। आई होप हम तरुण के घर शिफ्ट कर जाए, पर अब उन्हें शोभा से जो कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉम। आप चले। अच्छा चलती हूँ, तुम लोगों को भी अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना होगा। बाय, टेक केयर। माँ के सामने तुम्हारी तरफ से मैंने बात कर ली, वो ठीक है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें तरुण से क्या दिक्कत हो गई। इस सब में अच्छे अच्छों ने मेरा साथ छोड़ दिया। He is the only one who has been constantly supporting me, stood beside me like a rock. हर चीज में constantly support किया, जैसे कि शोभा मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे, ये जगह नहीं है डिस्कस करने के लिए और ना ही वक्त। मैंने हमेशा वो किया जो तुमने और बच्चों ने चाहा। कोई एक ऐसी बात बताओ जो तुम लोगों ने कही और मैंने ना की हो तुम्हारी। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है और ये होता रहता है यार ये सब। क्या था एक्सरे ले रही हो मेरा? अरे हो गई यार मुझसे गलती। मैंने इस वक्त जब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूं तब तुम्हें ये सब डिस्कस करना? तुम कितनी सेल्फिश हो सकती हो यार। मैं सेल्फिश हूं, राइट? कम ऑन शोभा, वो सच थी है। मैं अजीब दास्तां है ये।